हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर टू यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर. लाइव क्लास शुरू हो गई है. जल्दी से जल्दी आप सब लोग जो है अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो लेक्चर है नेक्स्ट कास्ट टोपोग्राफी का उसको शुरू करते हैं. 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं. तब तक के लिए मुझे ये बताओ कि आप सब लोगों को जो ऑडियो वीडियो है वो क्लियर है. हमने अपनी जो प्रीवियस क्लास है, प्रीवियस क्लास में जो फ्लूवियल जियोमोर्फोलॉजी है उसको कंप्लीट कर लिया है. अब हम जो करने वाले हैं वो कास्ट टोपोग्राफी, यानी कि जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है उसकी वजह से जो लैंड फॉर्म बनते हैं हम वो पढ़ेंगे. तो ये ऑलरेडी देखो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये हमारा जो फिलर फॉर्म है उसका टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है और इंस्टाग्राम चैनल है. तो जिसने भी इससे नहीं जुड़ा है या जिसने भी इनको नहीं ज्वाइन किया है वो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप सबको लाइव अपडेट दिया जाता है, क्लास से रिलेटेड आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है, साथ ही साथ जो आपका यूजीसी नेट एग्जाम है उसकी जो डेट्स है वो भी आपको अनाउंस की जाती है. और ये आपकी फिलर फॉर्म ऐप पर आपको पेपर 1 पेपर 2 की कोचिंग अवेलेबल है. आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, PYQ प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ ही साथ आपको जो है मॉक टेस्ट भी दिया जाता है. तो जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है फिलर फॉर्म ऐप पर, चाहे वो आपका नोन है या कोई रिलेटिव है, तो उसको सजेस्ट करो कि जो मेरा कूपन कोड है किरण 10. अगर मेरा कूपन कोड किरण 10 आप किसी भी सब्जेक्ट के सब्सक्रिप्शन के लिए यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. ओके. उसके बाद ये देखो, ये हमारा रोड मैप है कि हमें सिलेबस कैसे कवर करना है. तो इसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी पे चले हुए हैं और जियोमॉर्फोलॉजी में हमारे ये इतने सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी. उसके बाद सिर्फ आपके 3 टॉपिक रह गए हैं. पेरिग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. गुड इवनिंग रुचि, तो ये नहीं कराया जाएगा क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं. तो आपका कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, एरिड एंड सेमी एरिड और ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी, ये 3 टॉपिक रह जाएंगे. आज हम पढ़ेंगे कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी और कल कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये 2 टॉपिक है, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी और एरिड एंड सेमी एरिड जियोमॉर्फोलॉजी, ये कंप्लीट हो जाए. अब हमारा सबसे पहले है कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी. एक बार मुझे बताओ कौन कौन क्लास में आ गया है, मेरे को बताओ कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है ना बेटे, सबको आवाज आ रही है. कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी भी आपका सेम जैसे आपने फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा था ना, फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी और कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी है वो आपका पानी के द्वारा आपकी अर्थ के ऊपर बनने वाले लैंड फॉर्म को बोलते हैं फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि आपका नदियों के द्वारा जो लैंड फॉर्म बनते हैं या आपका पानी के द्वारा जो लैंड फॉर्म बनते हैं. वही जब आपका अंडरग्राउंड वाटर की वजह से जो लैंड फॉर्म बनते हैं उसको बोला जाता है आपका कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी. ठीक है, जल्दी से बताओ बेटे, आपको वीडियो ऑडियो डिस्प्ले सब कुछ क्लियर है ना?
तो चलते हैं हमारा कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी पे। तो क्या कहते हैं, द वॉटर प्रेजेंट इन द बोर पोर स्पेस। पोर क्या होते हैं, आपका खाली स्पेस, जो छेद होते हैं ना उनमें, पोर स्पेस ऑफ रेगोलिथ। ठीक है, रेगोलिथ क्या होता है, द लेयर ऑफ लूज एंड अनकंसोलिडेटेड मटेरियल एंड बेड रॉक। ठीक है, बिलो द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड ग्राउंड वॉटर। ये कहते हैं जमीन की सतह के नीचे और आधार चट्टानों के छिद्र स्थानों में मौजूद पानी को भूजल कहते हैं। वो अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, जो आपकी नीचे रोक होती हैं, इनके पोर्स में और जो खाली स्थान है वहां पे जो पानी स्टोर होता है उसको बोला जाता है आपका अंडरग्राउंड वाटर। और अंडरग्राउंड वाटर यानी कि भूजल का जो मुख्य स्रोत है वो है आपका वर्षा का जल या पिघला हुआ पानी, यानी कि जो आपका पानी मेल्ट होता है वो आपकी रोक के थ्रू नीचे रिस कर अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, जमीन के नीचे पहुंच जाता है, तो उसकी वजह से आपका क्या होता है, इरोजन होता है इस वॉटर की वजह से। ठीक है, यानी कि आपका पिघला हुआ पानी जो सतही पदार्थों के छिद्रों के माध्यम से नीचे की ओर घुसपैठ करता है और विभिन्न आकारों और स्थानों में आपके जल भर तो। अब जल एक्वीफायर्स क्या होते हैं, एक्वीफायर्स होते हैं जहां पे आपके जमीन के नीचे पानी स्टोर होता है, पानी की जो लेयर होती है उसको बोला जाता है आपका एक्वीफायर्स या आपका जलभृत। अब एक याद रखना, आपके ये जो दो एक्वीफायर हैं, ये दो एक्वीफायर है, एक्वीफायर क्या है, जिसमें पानी है, इन दो एक्वीफायर के बीच में आपकी हार्ड रॉक होती है उसको बोला जाता है एक्वीटार्ड। यानी कि दो एक्वीफर के बीच में एक एक्वीटार्ड होता है और ये जो एक्वीटार्ड है ये हार्ड स्ट्रक्चर का होता है और ये एक्वीटार्ड ऊपर वाले एक्वीफायर के पानी को नीचे वाले एक्वीफायर के पानी में नहीं जाने देता। ठीक है, ये होता है आपका अंडरग्राउंड वॉटर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, एक्वीफायर क्या होते हैं, एक्वीफायर रेफर टू द स्टोरेज पूल ऑफ ग्राउंड वॉटर लाइंग बिलो द ग्राउंड सरफेस। यानी कि जलभृत का तात्पर्य जमीन की सतह के नीचे स्थित भूजल के भंडारण पुल से है। यानी कि ये आपका जमीन है, जमीन के नीचे जहां पे आपका पानी स्टोर है, भूजल स्टोर है, उसको बोला जाता है आपका एक्वीफायर। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, आपका सैचुरेटेड और फेरेटिक जोन कौन सा होता है, हिंदी में संतृप्त या फेरेटिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो जब आपकी ये कोई ये रोक है, ठीक है, जब इस रोक के सारे छेद पानी से फुल भरे होते हैं, कोई भी छेद पानी के बिना नहीं होता है, यानी कि सभी छेद में आपके पानी फुल भरे होते हैं, उसको बोला जाता है आपका सैचुरेटेड और फेरेटिक जोन, यानी कि आपका संतृप्त और फेरेटिक जोन। ठीक है, और जो अपर लेवल होता है आपके इस सैचुरेटेड जोन का उसको बोला जाता है ग्राउंड वॉटर टेबल और सिंपली वॉटर टेबल बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे मैंने बताया ग्राउंड वॉटर क्या होता है, भूजल क्या होता है, भूजल का स्रोत क्या है, एक्वीफायर क्या है, सैचुरेटेड और फेरेटिक जोन क्या है और आपका ग्राउंड वॉटर टेबल क्या है। अब एक होता है अनसैचुरेटेड जोन। अनसैचुरेटेड जोन वो होता है जहां पे नीचे धरातल के नीचे जो चट्टानों के छेद होते हैं उनमें पानी नहीं फिल होता, वो खाली होते है, उसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड जोन। उस पानी के जगह पे आपकी हवा भरी होती है इसलिए इसको वॉइड जोन भी बोला जाता है। अब ये देखो, ये है एक्वीफायर। इस एक्वीफायर की सबसे ऊपर वाली जो आपकी लेयर होती है उसको बोला जाता है वॉटर टेबल। अब आपको पता है गर्मियों में पानी नीचे आ जाता है तो तब आपका समर वॉटर टेबल नीचे हो जाती है और सर्दियों में पानी ऊपर हो जाता है तो उसको बोला जाता है विंटर टेबल। ठीक है, जो गर्मियां है गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है। अब एक है आपका जोन ऑफ एरेशन और जोन ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। तो देखो, ये जोन ऑफ एरेशन होता है जहां पे आपके, देखो ये सोयल है, सोयल के जो आपके पार्टिकल है इनके बीच में पानी नहीं फिल होता, हवा भरी होती है, इसको बोला जाता है आपका जोन ऑफ एरेशन।
और जोन ऑफ सेचुरेशन में देखो, यहाँ पे जो आपके मिट्टी के कण है इनके बीच में जो खाली स्थान है इसमें पानी फिल हुआ है, इसको बोला जाता है आपका जोन ऑफ सेचुरेशन। ये जोन ऑफ सेचुरेशन है, ये जोन ऑफ एरेशन है। सबको जोन ऑफ एरेशन और सेचुरेशन में जो है डिफरेंस क्लियर हुआ बेटे? आपके सेचुरेशन जोन में सभी जो छेद है वो भरे होते हैं पानी के द्वारा, लेकिन जोन ऑफ एरेशन में यहाँ पानी नहीं होता, इस खाली स्थान को आपकी हवा घेर लेती है, हवा होती है पानी की जगह, इसको बोला जाता है जोन ऑफ एरेशन और इसको बोला जाता है जोन ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, अब ये बोलते हैं, अब आपको अनसेचुरेटेड जोन तो पता है क्या है, द जोन लाइंग अबव द वॉटर टेबल इज अनसेचुरेटेड जोन। ठीक है, और अनसेचुरेटेड जोन या इसको वेडोज जोन भी बोलते हैं। इसको वेडोज जोन क्यों बोलते हैं या इसको एरेशन जोन भी बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज द पोर स्पेस ऑफ द सोयल या रॉक्स आर पार्टली फिल्ड विद वॉटर एंड पार्टली फिल्ड विद एयर। ये कहते हैं कि ये जो जोन ऑफ एरेशन है, जोन ऑफ सेचुरेशन है, ये जोन ऑफ एरेशन, जोन ऑफ एरेशन कोई जोन ऑफ अनसेचुरेटेड जोन या इसको वेडो जोन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कुछ पार्टिकल के बीच में तो आपका पानी होता है, लेकिन कुछ के बीच में आपकी क्या होती है, विंड होती है, हवा भरी होती है, इसलिए इसको बोला जाता है आपका जोन ऑफ एरेशन या वेडोज जोन। ठीक है, अब ये कहते हैं जो आपकी इम्परमिएबल, इम्परमिएबल रॉक कौन सी होती है जो पानी को नीचे नहीं रिसने देती, जो इम्परमिएबल रॉक दो एक्वीफायर को सेपरेट करती, अलग करती है, उसको बोला जाता है एक्वीक्लूड या एक्वीटार्ड। ये आ गया बेटे आपको समझ में? देखो इसे असंतृप्त क्षेत्र या वेडो जोन कहा जाता है, क्योंकि रेगोलिथ और पारगम में चट्टानों के छिद्र स्थान आंशिक रूप से पानी से और आंशिक रूप से हवा से भरे होते हैं, इसलिए इसको असंतृप्त या वेडो जोन बोला जाता है। और दो जल भरतों या एक्वीफर को अलग करने वाले अभेद्य बिस्तर को क्या बोला जाता है, एक्वीक्लूड कहा जाता है, क्योंकि यह दो एक्वीफर के बीच में क्या करता है, बैरियर का काम करता है। ठीक है, बेटे आ गया यहाँ तक समझ में क्लास में कौन कौन है, एक बार मैं देख लेती हूँ, क्योंकि आज जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं आगे कैसे चलूंगी बेटे। रुचि एंड अभिषेक, बेटे आ गया समझ में यहाँ तक आप लोगों को? अब ये कहते हैं जब आपका एक्वीक्लूड दो एक्वीफायर के बीच में होता है, देखो ये है आपका एक्वीक्लूड और ये है आपका एक एक्वीफायर और ये है आपका दूसरा एक्वीफायर, तो इस वाले एक्वीफायर की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोला जाता है आपका पर्स्ड वॉटर टेबल। ठीक है, और सिर्फ ये वाली जो लेयर है इसी, ये ही लेयर आपकी शामिल है केमिकल इरोजन में। ठीक है, जो अंडरग्राउंड वॉटर की, अंडरग्राउंड वाटर जो केमिकल इरोजन होता है वो सिर्फ इस लेयर से ही इंक्लूड होता है। आपका जो अंडरग्राउंड वाटर जो लैंड फॉर्म बनते हैं वो बेसिकली क्यों बनते हैं, जब आपकी लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर की टोपोग्राफी या चूना पत्थर की चट्टान हो और उसके ऊपर आपका पानी हो, तो इसकी वजह से ये चूना पत्थर की चट्टान का आपका इरोजन हो जाता है और उस इरोजन की वजह से आपके कुछ लैंड फॉर्म बनते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन टोपोग्राफी और कास्ट टोपोग्राफी, हिंदी में देख लो सतह और उपसतह जल यानी कि भूजल द्वारा रासायनिक अपक्षय या कार्बोनेट चट्टानों के मुख्य रूप से
कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रासायनिक क्षरण द्वारा निर्मित भू आकृतियों को कास्ट स्लाकृति कहा जाता है। अब ये आपका कास्ट स्लाकृति क्या होता है, जहां पे आपका पूरा क्षेत्र यानी कि ये आपका पूरा रीजन है नीचे धरातल के नीचे या धरती के नीचे, यहाँ पे जो रॉक्स बनी है ये किससे बनी है, ये आपके चूना पत्थर की चट्टाने हैं या कैल्शियम की चट्टाने या कार्बोनेट की चट्टाने हैं, और इसके जब ऊपर पानी आता है तो उस पानी की वजह से आपके लैंड फॉर्म जो बनते हैं उनको बोला जाता है आपका कास्ट स्लाकृति या कास्ट लैंड फॉर्म बोला जाता है, जो कास्ट क्षेत्र के क्रिस्टलीय संयुक्त चूना पत्थर के जो आपका लाइमस्टोन है या चूना पत्थर है उसका केमिकल इरोजन होता है और उसकी वजह से आपके क्या बनते हैं लैंडफॉर्म बनते हैं। और ये जो कास्ट नेम है ये कहाँ पे किसकी वजह से पड़ा है, जो आपका यूगोस्लाविया है ना, कहाँ पे है एड्रियाटिक सी के पास आपका यूगोस्लाविया है, वहां पे आपका ये कास्ट रीजन स्थित है, उसकी वजह से ही आपकी ये जो लाइमस्टोन टोपोग्राफी है इसका हमें पता चला है। ठीक है, ये देखो ये आपका एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी के पास आपका क्या है यूगोस्लाविया, ये आपको यूगोस्लाविया दिख रहा है ये रहा। इस यूगोस्लाविया में आपके किसके निशान मिलते हैं, आपकी जो टोपोग्राफी मिलती है लैंड फॉर्म मिलते हैं वो मिलते हैं आपके चूना पत्थर के या कास्ट टोपोग्राफी मिलती है। और अगर मैं हर इंडिया में बात करूं तो इंडिया में जब आप उत्तराखंड सहस्त्र धारा जाते हैं तो वहां पे भी आपको लाइमस्टोन टोपोग्राफी मिलती है। ये देखो ये होती है आपकी लाइमस्टोन टोपोग्राफी, हम तो यहाँ पे ऊपर रहते हैं लेकिन जो ये पानी रिस के नीचे दरार के सारे अंदर चला जाता है तो उसकी वजह से कुछ टोपोग्राफी बनती है, ये जैसे स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट अंडरग्राउंड लेक आपका है कास्ट स्प्रिंग केव यानी के गुफा अंडरग्राउंड गुफा, देखो ये बन गई गुफा आपका केवेर्न है। तो ये सारे आपके टाइप है जो अभी आप पढ़ोगे, ये आपका जब पानी नीचे घुसता है जॉइंट के सारे तो आपके कुछ लैंड फॉर्म बनते हैं और इस लैंड फॉर्म के अब आपको नाम पढ़ने हैं। ठीक है, अब पहले तो ना यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ये कंडीशन आपके फेवर करती है कास्ट टोपोग्राफी के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जो आपकी कास्ट टोपोग्राफी है या कास्ट लैंड फॉर्म है वो कहाँ पे बनेंगे उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, द लाइमस्टोन मस्ट बी मैसिव थिकली बेडेड हार्ड एंड टेनेशियस वेल सीमेंटेड एंड वेल जॉइंटेड हाईली डेंसिटी ऑफ जॉइंट, ये कहते हैं आपका जो एरिया है वहां पे क्या होना चाहिए, जो लाइमस्टोन के हैं बड़े बड़े क्या होने चाहिए, बड़े बड़े एरिया में लाइमस्टोन के पत्थर होने चाहिए या लाइमस्टोन रॉक होनी चाहिए और इस लाइमस्टोन में क्या रॉक में जॉइंट्स भी होनी चाहिए यानी कि दरारें भी होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है कि आपकी लाइमस्टोन होनी चाहिए, लाइमस्टोन रॉक होनी चाहिए। सेकंड है लाइमस्टोन शुड नॉट बी पोरस, यानी कि लाइमस्टोन में जो आपकी ये रॉक है इसमें क्या है होल नहीं होने चाहिए, छेद नहीं होने चाहिए, ठीक है, बस जॉइंट्स होनी चाहिए, दरार होनी चाहिए उस लाइमस्टोन में, होल लाइमस्टोन जो आपकी रॉक है उस रॉक के जो पार्टिकल है उनमें छेद नहीं होने चाहिए, पोर्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद कहते हैं थर्ड है द पोजीशन ऑफ लाइमस्टोन शुड बी अबव द ग्राउंड वाटर टेबल, यानी कि ये जो आपका लाइमस्टोन के बेड है ये आपके ये ग्राउंड टेबल के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि ये लाइमस्टोन रॉक और इसके नीचे आपका ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, पहली सिचुएशन है चूना पत्थर बड़े पैमाने पर होना चाहिए और उस चूने पत्थर की चट्टान में जोड़ होने चाहिए, जॉइंट होने चाहिए, आपकी जो चूना पत्थर की चट्टान है वो पोरस नहीं होनी चाहिए यानी कि उसमें होल नहीं होने चाहिए, छेद नहीं होने चाहिए। और थर्ड है कि जो चूना पत्थर की जो चट्टान है या चूना पत्थर की जो चट्टान है इसकी स्थिति आपके भूजल के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन कंडीशन हो गई। फोर्थ है लाइमस्टोन शुड बी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कहते हैं कि जो आपका चूना पत्थर का चट्टान है वो आपका ऊर्ध्वाधर और क्षेत्रीय दोनों आयाम में क्या है फैली होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी कार्बोनेट ये चट्टाने हैं
ये जमीन की सतह के बहुत करीब होनी चाहिए। जब तक अगर ये जमीन की सतह के करीब नहीं होगी तो इनका इरोजन नहीं होगा। और जब का चूना पत्थर है वो अत्यधिक मुड़ा हुआ खंडित या दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी लाइमस्टोन में ज्यादा फोल्ड फ्रैक्चर और फोल्ट नहीं पड़ने चाहिए। और लास्ट कंडीशन है देयर शुड बी एनफ रेनफॉल, आपकी बारिश होनी चाहिए ताकि जो वॉटर की अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा हो, आपकी जो कार्बोनेट रॉक है फिर उनका इरोजन ज्यादा होगा, क्योंकि पानी ज्यादा तो आपका इरोजन ज्यादा। तो लाइम आपका क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में इन्हीं में से तीन कंडीशन दे रखी थी और एक कंडीशन ये दे रखी थी कि जो आपकी कास्ट टोपोग्राफी है उसके लिए वेजिटेशन का होना भी जरूरी है। तो बिल्कुल भी नहीं होता, कास्ट टोपोग्राफी के बनने के लिए वेजिटेशन का होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको कट कर देना, वो आपका ऑप्शन गलत था। ठीक है, अब आपका सबसे पहला लैंडफॉर्म है लैपीज। ये लैपीज कैसे बनता है ये देखो, ये आपका अंडरग्राउंड आपका जो जमीन के नीचे ये आपका क्या कोई रोक है, लाइमस्टोन की रोक है, इसमें आपका यानी कि कार्बोनेट रोक है। अब आपका कौन रिएक्ट करता है, आपका CO2 यानी कि वाटर और CO2 करता है इस लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट। तो अब ये रोक का अब ये रोक कैसे बनेगी, देखो इस रोक का ये रोक कैसे बनेगी, इसका इरोजन हो जाएगा आपके ऐसे ऐसे, ये कंघे जैसे कटक होती है ना कंघे के जैसे, ऐसे इस रोक में ऊपर से इरोजन शुरू हो जाएगा और इसको बोला जाता है आपका लैपिस। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, आपकी छोटी छोटी रिज या कटक या होल से बनने लग जाते हैं उसको बोला जाता है आपका लैपिस फ्रेंच लैंग्वेज में। और लैपिस के अलग अलग नाम है जो आपको याद रखने हैं, जैसे इसको क्लिंट्स और ग्रीक्स बोला जाता है इंग्लैंड में, कारेन बोला जाता है जर्मनी में, बोगास बोला जाता है यूगोस्लाविया में। याद रखना क्लिंट्स बोला जाता है आपका नॉर्थ इंग्लैंड में, क्लिंट्स या गिट्स नॉर्थ इंग्लैंड में, कारेन बोला जाता है जर्मनी में, बोगास बोला जाता है यूगोस्लाविया में। ठीक है, देखो क्लिंट्स या ग्रीग्स कहाँ पे बोला जाता है, उत्तरी इंग्लैंड में, जर्मनी में कारेन बोला जाता है, यूगोस्लाविया में बोगास बोला जाता है, ये नाम आपको याद रखने हैं। और बता ही दिया मैंने पहला कैसे बनता है। और लैपीज आपके जनरली फॉर्म होते हैं कोरोजन की वजह से। कोरोजन का मतलब क्या है, जब आपकी चट्टान पानी के साथ घुल जाती है तो घुलने की वजह से जो चट्टान का इरोजन होता है उसको बोला जाता है कोरोजन या सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं जो आपके वेदरिंग की वजह से कुछ आपका थोड़ा बहुत ये पार्ट जो बच जाता है, यानी कि चट्टान का जो पार्ट बच जाता है उसको बोला जाता है टेरा रोसा। और टेरा रोसा जो सोयल होती है वो रेड रेजिडुअल सोयल होती है। ठीक है, ये इसको रेड अर्थ भी बोलते हैं। सतह पर बचे अपक्षय अवशेषों को टेरा रोजा कहा जाता है, जिसका आता है लाल मिट्टी। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट इरोजनल लैंडफॉर्म। ये देखो ये आपको लैपीज दिख रहे हैं, ये क्या है आपके इरोजनल लैंडफॉर्म है लैपीज, ये दरारे सी जो बन गई हैं, ये होती है आपकी टेरा रोजा लाल मिट्टी, जो वेदरिंग के बाद जो बच गया उसको बोला जाता है टेरा रोजा। अब उसके बाद आपके सॉल्यूशन होल इससे रिलेटेड फीचर। तो अब देखो, अब आपका जो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, पढ़ा है एक मिनट, आपने लैपीज पढ़ा है। ठीक है, आप जो लैपीज से बड़े बड़े ऐसे होल होने लगते हैं ऐसे ऐसे, इन होल को बोला जाता है आपका क्या बोला जाता है, सिंक होल। सिंक होल का जो साइज है वो 10 मीटर से आपका 3 से 10 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, और जब इन स्वालो होल सिंक होल का से भी बड़ा रूप हो जाता है उसको बोला जाता है आपका स्वालो होल। जब आपका ग्रेजुअल इनलार्जमेंट यानी कि लगातार बड़ा होता रहता है सिंक होल का लगातार इरोजन होता रहता है तो उसकी वजह से बनते हैं आपके स्वालो होल। ठीक है, तो सबसे पहले बने आपके क्या बने, सिंक होल। सिंक होल के बाद है आपके स्वालो होल।
सिंक होल का जो बड़ा रूप है उसको बोला जाता है स्वालो होल। अब स्वालो होल का भी जो बड़ा रूप है, स्वालो होल से भी जो बड़ा बनता है उसको बोला जाता है आपका डोलाइन या डोलिनास, ठीक है। और डोलाइन से भी बड़ा होता है वो होता है आपका युआला। याद रखना, सिंक होल, स्वालो होल, डोलाइन, युआला, पोलजे, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ये आपको जो ऑर्डर है ये याद रखना है। जैसे जैसे सिंक होल से स्वालो होल से डोलाइन, डोलाइन से युआला, युआला से पोलजे की तरफ जाते हैं, जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो पोलजे का साइज सबसे बड़ा होता है। ये कहते हैं आपके जो सॉल्यूशन होल है वो क्यों बढ़ते हैं, आपका कुछ रीजन का क्या हो जाता है, कुछ एरिया का कोलेप्स हो जाता है यानी कि धस जाता है। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज ग्राउंड सरफेस ऑफ कोलेप्स सिंक्स, ठीक है। तो कोलेप्स हो जाते हैं, धस जाते हैं, धसती निवेशिका भी बोलते हैं इसको। ये देखो, ये होते हैं आपके स्वालो होल। अब इस स्वालो होल से भी ये देखो, पहले आपके लेपीस थे ऐसे बने थे ना, अब ये लेपीस के सहारे पानी नीचे गया और आपका देखो आपके अंडरग्राउंड रॉक में कितना बड़ा ये होल हो गया। इसको बोला जाता है स्वालो होल। स्वालो होल ये आपका देखो, अब इसमें समझो स्वालो होल। स्वालो होल सबसे पहले क्या आपका सिंक होल, सिंक होल से बड़ा है ये स्वालो होल, स्वालो होल से बड़ा ये डोलाइन, डोलाइन से बड़ा ये देखो युआला, युआला से भी बड़ा आपका पोलजे। तो सबसे बड़ा जो आपका लैंड फॉर्म बनता है वो कौन सा बनता है, पोलजे बनता है। इनके जो नेम है वो याद रख लो, सिंक होल, स्वालो होल, युआला, पोलजे। सबसे पहले बना है आपका, सबसे पहले क्या बना है, सबसे पहले बना है आपका सिंक होल, और सिंक होल से भी पहले आपके बने हैं लैपीज, लैपीज के बाद सिंक होल, सिंक होल के बाद स्वालो होल, स्वालो होल के बाद डोलाइन, डोलाइन के बाद युआला, युआला के बाद पोलजे। ये बेटे आपको याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बताओ मेरे को, यहां तक आप सबको क्लियर है? सिंक होल, स्वालो होल, युआला, पोलजे, ये कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, ये सब आपको क्लियर है? बताओ बेटे जल्दी से, रुचि, अभिषेक, ये सबसे इजी आपका चैप्टर है जो आपको बहुत इजीली से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ओके यशवंत, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका जो स्लाइड है, एडिट होनी रहेगी ये स्लाइड, ठीक है। ये मैं आपको एडिट करके दे दूंगी बेटे, इसको मैं कट कर दूंगी, इसको मत देखना, ये हिंदी में आपका गलत दे रखा है, ये गलत आपका हो रखा है, ठीक है। ये एक बार देखती हूँ। हाँ, वो ये मैं स्लाइड ही कट कर दूंगी क्योंकि मैंने आगे इसको कर रखा है। अब देखो, जो आपके बहुत बड़े गड्ढे हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं, उसको बोला जाता है युवालास, ठीक है। और आपका जो युवाला है, युवाला का कुछ छोटे छोटे युवाला होते हैं जिसको जामाज भी बोला जाता है, और युवाला बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होते हैं कि कभी कभी इनमें जो आपका ड्रेनेज बेसिन है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके सीए मेलोट है, उन्होंने कास्ट विंडो, जैसे आपके देखो कास्ट विंडो क्या होती है, अरे कहाँ पे है वो, ये देखो, ये आपका कास्ट विंडो,
विंडो क्या होती है, जिसके हमें आर पार दिखता है। तो जब आपका होल या इतना बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से आपको धरातल के अंदर का और बाहर का दिखने लग जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका कास्ट विंडो। और देखो, युवाला को आपका कंपाउंड सिंक बोला गया। क्यों कंपाउंड सिंक बोला गया है? क्योंकि ये बहुत सारे सिंक होल के मिलने की वजह से क्या है, बन जाता है। यानी कि आपका एक सिंक होल, दो सिंक होल, तीन सिंक होल। यानी कि जब पहला सिंक होल ये बना, दूसरा सिंक होल ये बना, तीसरा सिंक होल ये बना, जब इनकी बीच की ये जो आपकी सतह होती है, इसका भी इरोजन हो जाता है और ये आपस में मिलके इतना बड़ा जो बना लेते हैं, एक्सटेंसिव रूप ले लेते हैं, उसको बोला जाता है आपका युवाला। इसलिए युवाला को कंपाउंड सिंक भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लो, व्यापक अवसादों को उवाला कहा जाता है, जो 1 किलोमीटर तक फैले होते हैं, और जो आपके छोटे युवाला होते हैं उनको जमा कहा जाता है। आपके जो युवालाज होते हैं वो इतने व्यापक होते हैं कि उनमें जो सतही जल है वो भी नष्ट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। वो अपना मार्ग जो है, क्या है उनका जो मार्ग है, भूमिगत हो जाता है। यानी कि भूमि के नीचे चला जाता है आपका पानी। यानी कि आपका ये जो युवाला ना, ये इतना बड़ा हो जाता है कि यहाँ पे ऊपर कोई नदी बह रही है तो वो इसमें नीचे गिर जाती है और वो लॉस्ट हो जाती है। इसको बोला जाता है आपका युवाला। और युवाला को सह संयोजन ये भी बोला जाता है, क्योंकि ये कई सिंक छिद्रों, यानी कि इसको यौगिक सिंक भी बोला गया। क्यों? क्योंकि ये कई सिंक होल के मिलने की वजह से बना है। ठीक है, अब उसके बाद है, अब युवाला से भी जो बड़े आपके गड्ढे होते हैं उसको बोला जाता है आपका पोल्जे। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है ना, सबसे बड़े जो आपके अंडरग्राउंड वाटर में सबसे बड़ा जो लैंड फॉर्म होता है वो होता है आपका पोल्जे। पोल्जे बहुत सारे युवाला के मिलने की वजह से बनता है, जैसे आपका यूगोस्लाविया और जमैका में बहुत सारे जो पोल्जे हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे आपका बालकन रीजन में, यूरोप में, 64 किलोमीटर लंबा और 5 से 11 किलोमीटर चौड़ा आपका पोल्जे देखने को मिलता है। ये आपको याद रखने की, ये सारे अभी हम इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़ रहे हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं है। आपने लैपीज पढ़ा, लैपीज के बाद आपका सिंक होल, स्वालो होल, डोलाइन, युआला, पोल्जे, ये सारे आपके क्या, और कास्ट विंडो आपका, अब केव भी आएगा, नेचुरल ब्रिज भी आएगा। ये सारे इरोजनल लैंडफॉर्म है। यहाँ पे देख लो आपका, देखो सबसे पहले क्या है, सिंक होल, जो मुझे अभी इस तस्वीर में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपका देखो सिंक होल के बाद आपका स्वालो होल, दो लाइन, युवाला, युवाला के बाद पोलजे। ठीक है, और आपकी लाइव स्टोन पेवमेंट, पोनोर। पोनोर भी आपका छोटा सा क्या होता है, सिंक होल जितना ही, आपका बहुत छोटा सा जो होल होता है उसको बोला जाता है पोनोर। ठीक है, अब वैली ऑफ कास्ट रीजन, आपकी कुछ घाटी बनती हैं। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं, क्षैतिज तल या थोड़ा झुके हुए तल वाले चूना पत्थर के क्षेत्र में कई सिंक होल वाली ऊपरी सतह को कास्ट मैदान कहा जाता है। ये देखो कास्ट मैदान क्या होता है, ये आपका एक मैदान और इसमें कई आपके कई सारे सिंक होल हैं, ऐसे छोटे छोटे जो हैं होल बन गए हैं। इसको क्या बोला जाता है, आपका कास्ट मैदान बोलते हैं। और इस कास्ट मैदान पर क्या होता है, जो भी आपकी ये नदी बहती है ना, तो वो नदी क्या करती है, इन सिंक होल के थ्रू इसका पानी, नदी का पानी नीचे अंडरग्राउंड हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से आपका जो नदी है, लगभग सभी घाटियां किसी न किसी रूप में सिंक होल या निगल होल से संबंधित होती है। जो घाटे उसके पढ़ो, सबसे पहले आपका सिंकिंग क्रीक या धस्ती निवेशिका। ठीक है, आपका ये जो सिंक होल है ना, सिंक होल ऐसे, ये जैसे आप तेल छानते हो ना एक फनल शेप में, ऐसे छलनी जैसे, ऐसे फनल के जैसा काम करता है। क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि जो सतह का पानी है, सतह का पानी इन सिंक होल के माध्यम से भूमिगत हो जाता है, तब सतह का पानी एक रेखा में स्थित अनेक सिंक होलों के माध्यम से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिंकिंग क्रीक कहा जाता है। और जिस बिंदु से
वो पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है उसको बोला जाता है आपका सिंक। ठीक है, सिंक का मतलब क्या होता है, जो छोटी नदियों का पानी है ना वो एक ही सिंक से गायब हो जाता है, जबकि बड़ी नदियों का पानी कई सिंक से गायब होता है। आपको क्लियर हो गया बेटे ये सिंकिंग क्रिक? सिंकिंग क्रिक क्या होती है, आपकी ये जो चट्टान है इसमें कई सारे आपके क्या है होल हो जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, सिंकिंग होल ये क्या होते हैं, सिंक होल होते हैं। इन सिंक होल के माध्यम से जो ऊपर की नदी है वो क्या है अंडरग्राउंड नीचे धरातल के नीचे चली जाती है, गायब हो जाती है। जिस पॉइंट से ये जो नदी है नीचे की ओर जाती है उस बिंदु को बोला जाता है सिंक, इस घाटी को बोला जाता है सिंकिंग क्रीक। ठीक है, और इस एक सिंक से जो छोटी नदी है छोटी नदी का पानी से एक सिंक में गायब हो जाता है, जबकि बड़ी नदी होती है उसका पानी कई सिंकों की वजह से गायब होता है। कई बार देखते हैं ना हम कि आपका जो हमें कई जगह पर पहाड़ों में देखते हैं कई जगह पर पानी ऊपर तो दिखता है लेकिन थोड़ी देर आगे जाके हमें पानी नहीं दिखता, वो किसकी वजह से दिखता है, वहां पे सिंक होल होते हैं, सिंक होल होने की वजह से वो पानी ऊपर से अंडरग्राउंड चला जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपका ये आपको दिख रहे हैं ये सिंक होल, ये सिंक होल, सिंक होल। अभी सिंक होल से देखो यहाँ पे नदी बह रही थी, इस नदी का पानी देखो यहाँ पे नीचे चला गया सीधा और फिर आगे चल के कहाँ निकला, यहाँ पे आगे चल के फिर ऊपर आया। यहाँ पे ये पूरा इस चट्टान के अंदर ये नदी गायब हो गई और फिर आगे जाके ये निकली, इसको बोला जाता है आपका सिंक होल। और एक होती है आपकी ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड वैली क्या होती है, देखो ब्लाइंड वैली वो वैली होती है जहां से आपकी द वैली दैट एंड सडनली एट द जॉइंट वेयर स्ट्रीम डिसअपियर, यानी कि जहां से आपकी नदी एकदम से गायब हो जाती है उसको बोला जाता है ब्लाइंड वैली, यानी कि वहां से आपकी वैली को कुछ नहीं दिखता गायब हो जाती है उसको बोला जाता है आपका ब्लाइंड वैली। ठीक है, ब्लाइंड वैली क्या होती है, अंधी घाटी। अंधी घाटी उस सतही धारा की घाटी को संदर्भित करती है जो एक सिंक होल के माध्यम से चूना पत्थर के निर्माण में गायब हो जाती है, उसे बोला जाता है आपका अंधी घाटी। और कास्ट वैली क्या होती है, आपकी जो सरफेस स्ट्रीम है यानी कि जो आपकी सतह की धाराएं हैं वो यू शेप वैली बनाती है लाइमस्टोन पे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप, कास्ट वैली बोलते हैं, सोल्यूशन वैली भी बोलते हैं। ये टेम्परेरी होती है क्योंकि जनरली जो आपका पानी है वो क्या हो जाता है डिसअपियर हो जाता है, ये कभी कभी बनती है आपकी कास्ट वैली। ठीक है, अब आपका होता है केव। केव को क्या कहते हैं, गुफा, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुफाएं। ठीक है, अब क्या होता है जो आपकी जमीन है ना, जमीन की सतह के नीचे आपकी जो है क्या बन जाती है, मान लो ये आपकी ये रोक है जमीन की सतह के नीचे, तो आपका अंडरग्राउंड वाटर पानी यहाँ से काम करता है तो इसकी वजह से इधर की जो रोक है ये क्या हो जाती है खोखली हो जाती है और इसका मुंह खुल जाता है और आपकी गुफा बन जाती है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है, आपके पानी के घर्षण पे, कि पानी में जो आपका इरोजन है इरोजन कितना ज्यादा है। अगर आपका घर्षण ज्यादा होगा, घर्षण का मतलब है जो आपके पानी में टुकड़े हैं वो कितना ज्यादा आपके सामने वाली चट्टान पर प्रहार करते हैं, जितना ज्यादा प्रहार करेंगे उतनी तेजी से आपका इरोजन होगा। या आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्लसबर्ग और मैमथ गुफाएं। ठीक है, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यू मैक्सिको में ये जो गुफा है उसकी लंबाई देखो ये आपके इसी से बनी है। अब ये केव को पढ़न अब आपने केव तो पढ़ लिया है, केव कैसे बनती है इससे रिलेटेड ये पांच थ्योरी है, इस पांच थ्योरी के नाम और किसने दी है ये आपको याद रखनी है, ये यहां से आपके क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहला है आपकी कोरोजन थ्योरी। कोरोजन थ्योरी किसने दी है, कोरोजन थ्योरी दी आपकी लेप्रांट मार्टोनी मार्टेल वेलर सीए मेलोट। किस किसने दी है आपके, दी है लेप्रेंट ने, मार्टोनी, मार्टल वेलर और सीए मेलोट। आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, एग्जाम में कोई भी मैच द फॉलोइंग में चारों थ्योरी के नाम दिए जाएंगे, पांचों थ्योरी के नाम, और उसके सामने इनके जो राइटर हैं उनके या सॉरी जो इनके जोग्राफर्स हैं उनके नाम दिए जाएंगे।
तो आपको सारे याद रखने हैं, कोरोजन थ्योरी के हैं लेप्रांट मार्टोनी मार्टल वेलर सीएमएलओ, राइम में याद कर लो, लेप्रांट मार्टोनी मार्टल, लेप्रांट मार्टोनी मार्टल वेलर सीएमएलओ, लेप्रांट मार्टोनी मार्टल वेलर सीएमएलओ। उसके बाद आपकी टू साइकिल थ्योरी, टू साइकिल थ्योरी आपकी किसने दी है, विलियम मॉरिस डेविस ने। और आपके अगर विलियम मॉरिस डेविस नहीं है आपके क्वेश्चन आंसर में तो जे एच ब्रेट्स होगा, उन्होंने भी इनकी थ्योरी को सपोर्ट किया है, टू साइकिल थ्योरी को। ठीक है, टू साइकिल थ्योरी किसकी है, विलियम मॉरिस डेविस की और जे एच ब्रेट्स की। उसके बाद आपकी वाटर टेबल थ्योरी है, ये वाटर टेबल थ्योरी किसने दी है, ए सी स्विनटन ने, यानी कि पानी में स्विन किया, तैरा, ऐसे याद कर लो, आपकी वाटर टेबल थ्योरी ए सी स्विनटन, यानी कि पानी में तैरना, स्विन स्विन करना, आपका वाटर टेबल। उसके बाद आपका स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी, जोन किसका है, गार्डन का जोन, याद रखना ये इसकी ट्रिक, गार्डन का जोन। और आपका इन्वेजन थ्योरी दी है सीए मेलोट ने। यहां तक क्लियर है बेटे आप सबको? आपका कोरेजन थ्योरी है, टू साइकिल थ्योरी है, वाटर टेबल थ्योरी है और स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी है, इन्वेजन थ्योरी है। उसके बाद मैंने आपको पोनोर्स दिखाए थे, वे छोटे छोटे जो होल से होते हैं उसको बोला जाता है आपका पोनोर्स। ठीक है, आपके वर्टिकल पाइप जैसे होते हैं जो आपके गुफा से जुड़े होते हैं, इनको बोला जाता है पोनोर, और सर्बिया में इनको बोला जाता है एवेंस, सॉरी पोनोर्स बोला जाता है सर्बिया में, एवेंस बोला जाता है फ्रांस में। और ये पोनोर्स बनते हैं आपका डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ जब आपके सिंक होल धंसते हैं उसकी वजह से बनते हैं। अब उसके बाद है आपके नेचुरल ब्रिज, ये देखो ये मैंने आपको गुफा बनाई थी, जब एक साइड से होता है आपका रास्ता, जब आपके दोनों साइड से इरोजन होने लगता है इधर से भी और उधर से भी, तो बीच का जो पार्ट है वो रोक का वो खोखला हो जाता है, उसका इरोजन हो जाता है, बस ऊपर का ये ऐसे जैसे ब्रिज नदी के ऊपर पुल बन जाता है ना, बस ऐसे बन जाता है, इसको बोला जाता है आपका नेचुरल ब्रिज। हम नदी को क्रॉस करने के लिए उसके ऊपर ब्रिज बनाते हैं ना, ऐसे ही आपका जब आपका नीचे रॉक्स होती है धरातल के नीचे, तो अंडरग्राउंड वाटर उस रॉक को बीच से खोखला कर देता है और ऊपर सिर्फ एक पुल बच जाता है, उसको बोला जाता है आपका नेचुरल ब्रिज। नेचुरल ब्रिज बनता है या तो आपका धसने की वजह से, जो आपकी रूफ की सतह है वो धस जाती है, या आपकी सरफेस की स्ट्रीम गायब हो जाती है उसकी वजह से। अब आपकी इससे जो थ्योरी है नेचुरल ब्रिज से रिलेटेड थ्योरी, इनको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ये थ्योरी किसकी है या किससे रिलेटेड है। तो आपका सॉल्यूशन थ्योरी दी है गिलमर ने, आपकी सीडी वेलकोट की भी नेचुरल ब्रिज से रिलेटेड थ्योरी है, सबटेरेनियन स्ट्रीम पायरेसी थ्योरी एचपी वुडवर्ड की है, याद रखना स्ट्रीम पायरेसी एचपी वुडवर्ड की, और सबटेरेनियन स्ट्रीम कट ऑफ थ्योरी है सीए मेलोट की और आरआर श्रोक की। ये कैसे याद रखोगे, इस सी से याद रख लेना, स्ट्रीम कट ऑफ थ्योरी से याद रखना, सी से याद रख लेना, सीए मेलोट और सीए मेलोट के साथ थे श्रोक, और पायरेसी चाल किसने चली, वुडवर्ड ने। जैसे हम कॉन्स्पिरेसी करते हैं ना चाल, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है चाल, उस पीरेसी से याद रख लेना, वुड की चाल। ठीक है, ये आपकी थ्योरी है। ये देखो ये रहा आपका नेचुरल ब्रिज, आपका ये वाला जो है दोनों तरफ से इसका इरोजन हो गया, आर पार दिखने लगा, और इसको बोला जाता है आपका नेचुरल ब्रिज। ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या, एक नेचुरल ब्रिज है। अब आपके हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, सबसे पहले आपको एक वर्ड दिख रहा है जिसको बोला जाता है स्पीलियोथम्स। तो जितने भी आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं जो कास्ट टोपोग्राफी के द्वारा बनाए जाते हैं उसको बोला जाता है आपका स्पीलियोथम्स। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, स्पीलियोथम्स बोला जाता है।
ठीक है, उसके बाद जो आपकी ये जो चूना की चट्टाने होती है, जब इसका डिपोजिटेट थोड़ा टेढ़ा सा आपको ऐसे दिखता है तो इसको बोला जाता है आपका ट्रेवेंटाइन, पतली सी जो ये आपकी ऐसे निकली हुई कटक सी दिखती है उसको बोला जाता है ट्रेंटाइन, और आपका जहाँ पे ये ट्रेवेंटाइन सॉफ्ट होता है उसको बोला, यानी कि जहाँ पे आपका कैल्शियम ताजा ताजा बनता है, जहाँ पे जैसे गुफा है, गुफा की माउथ पे, तो उसको बोला जाता है आपका काल्क तूफा। कैसा होता काल तूफा? सॉफ्ट डिपोजिशन। ठीक है, अब एक होता है आपका ड्रिप स्टोन। अब एक होता है आपका ड्रिप स्टोन। ड्रिप स्टोन भी क्या होता है आपका? कैल्केरियस डिपॉजिट होता है। आपको जो मेन याद रखना है उसमें एक है स्टेलेक्टाइट, एक है स्टेलेगमाइट। अब इस स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट क्या होता है ये देखो, आपको ये दिख रहा है, इसमें स्टेलेग लेग आपका नीचे से ऊपर होता है ना, तो जो आपका डिपॉजिट नीचे से, देखो ये नीचे से जमना शुरू होता है, इसको बोला जाता है आपका स्टेलेक्टाइट। और स्टेलेग टाइट और स्टेलेगमाइट क्या होता है? जो आपका डिपोजिशन ऊपर से नीचे होता है उसको बोला जाता है स्टेलेगमाइट। और जहां पे ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट, देखो स्टेलेगटाइट उस टी से याद रखना जो टेरिस से जमना शुरू होता है, तो जहां पे ये दोनों डिपॉजिट हो जाते हैं, जहां पे दोनों मिल जाते हैं उसको बोला जाता है आपका कोलम। ठीक है, ये देखो स्टेलेक्टाइट, जहां पे आपका चूना पत्थर नीचे से ऊपर की ओर जमना शुरू होता है। ठीक है, स्टेलेक, ये टी का मतलब है स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट होता है जो आपकी छत से नीचे की तरफ आता है, और स्टेलेगमाइट जो लेग आपका नीचे से शुरू होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, और जहां पे ये दोनों मिल जाते हैं उसको बोला जाता है आपका कोलम। देखो इस लेग से याद रखना नीचे से ऊपर, और इस टी से याद रखना ऊपर से नीचे। ठीक है, उसके बाद जहां पे ये मिल जाते हैं स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट उसको बोला जाता है आपका केव पिलर, या इसको हम कोलम भी बोलते हैं, स्टैक भी बोलते हैं। ठीक है, आपके देखो ये है स्टेलेक्टाइट, ये स्टेलेक्टाइट है, और ये हैं आपके स्टेलेगमाइट, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट। ठीक है, तो जो एक स्टेलेक्टाइट के यहाँ से साइड से निकल जाता है इसको बोला जाता है हेलेक्टाइट्स, और जो इस स्टेलेगमाइट के साइड से निकलता है इसको बोला जाता है हेलेगमाइट्स। ठीक है, और हेलेक्टाइट्स जब गोल हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है ग्लोब्यूटाइट्स। बस आपको यही याद रखना है, मेनली आपको ये याद रखना है, जितने भी डिपोजिशनल लैंड फॉर्म होते हैं अंडरग्राउंड वाटर द्वारा उसको बोला जाता है स्पिलियोथर्म। फिर आपके होते हैं स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, हेलेक्टाइट, हेलेगमाइट, केव पिलर। ओके, ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है। अब आपका कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन किसने दिया है? तो ये जो कंसेप्ट है कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन का, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कंसेप्ट ऑफ कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन वाज गिवन बाय जे बीडे इन 1912 एंड सी जैविक। आपका दोनों ऑप्शन में दिया गया था, जे बीडे एंड सिवजिक लिखा हुआ था, तो आपका दोनों ठीक है। और अगर आपका ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है जे बीडे एंड सिवजिक, तो आप करेक्ट लगाओगे विलियम मॉरिस डेविस को। विलियम मॉरिस डेविस ने भी आपकी कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन दिया है। तो आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पे बेटे कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ चीज समझ नहीं आई है तो वो पूछ सकता है। यशवंत, रुचि, कुछ भी डाउट है तो बेटे पूछ लो। ये तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, आई होप आप सबको समझ में आ ही गया होगा, बट फिर भी अगर कुछ रिपीट करना है तो बता दो।
नहीं बेटे, 6 बजे वाली क्लास इस टॉपिक से नहीं थी। 6 बजे वाली क्लास में आपका जो फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी है उसका टॉपिक कंप्लीट हो गया था। कोई बात नहीं यशवंत, मिस हो गई तो आप उस क्लास को देख लेना। अभी आपकी जो है आज या कल में वो अपलोड हो जाएगी, फिर उसको देख लेना। और आपका ये जो मेटीरियल है वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी। सभी मेरे को ये बताओ कि अभी तक जितने भी आपको टॉपिक मैंने करवाए हैं वो बेटे आपको क्लियर हो गए हैं? बेटे कल क्लास नहीं हुई क्योंकि आपकी ऐप में कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। और आपका जो मैप की क्लास है वो मैं आपको 1-2 दिन में अपडेट कर दूंगी। आपको डेमो क्लास दूंगी पहले कि कैसे कैसे क्या पढ़ना होता है मैप क्लास में। मुझे पता है आप सबको मैप क्लास का वेट है, बट क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं लग पा रहा है, थोड़ा सा जो शेड्यूल है वो बिजी है, इसके चलते मैं आपकी जो मैप क्लास है उस पर काम नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं जल्दी ही उस पर काम करूंगी और आपके लिए जल्दी ही वो क्लास लेके आऊंगी। बेटे उसकी फीस का आइडिया मैंने आप सबको बोला है। मैं तो आप लोगों से ही पूछ रही थी। बेटे यहाँ पे जो है ना यशवंत, यहाँ पे फीस वगैरह मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वो आपका एक अलग पार्ट है। यहाँ पे अगर मैं फीस वगैरह बताऊंगी तो जो है वो मेरे रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये सारे बात नहीं कर सकते हैं। आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है? टेलीग्राम पे पूछ लेना आप मेरे से मैसेज करके, मैं वहां पे आपको बता दूंगी जो मैप क्लासेस होती है उसका कितना प्राइस होता है। तो ऐसे नहीं बता सकते हैं। बाकी आप मुझे बताओ कि कोई बात नहीं यशवंत, आपको नहीं पता था बट मैंने बता दिया ना। आप मुझे ये बताओ कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है? जो आपका एग्जाम है, एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन चल रही है आपकी? अभी कंप्लीट करना पेंडिंग बहुत है। कोई बात नहीं बेटे, पेंडिंग जो वर्क है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ इसको रिवाइज किया करो। और मेरे को एक बार ये बताओ कि आपके जो सीरीज है आपकी क्लास की, वो सारी अपलोड हो गई या कुछ रहती है? एक बार चेक कर देती हूँ कि आपका कितना काम रहता है, आपकी जो वीडियो है वो कहाँ तक अपलोडेड की है। अगर नहीं हुई है तो मैं बोल दूंगी ना कि वो जल्दी से वीडियो अपलोड हो जाए। ट्वेंटी 9 क्लास हो गई हैं, कहाँ तक? तो वेदरिंग तक आपका अपलोड हुआ है, माउंटेन बिल्डिंग, वेदरिंग हो गया है आपका। तो इसके बाद कितनी क्लास रह गई आपकी वेदरिंग के बाद अपलोड होनी? आपका जो टॉपिक 14 है ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न वो रहता है। ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न की 2 क्लासेस हैं, फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी की भी 2 क्लासेस है, बस ये रह गई हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है कंटेंट तो मैं आज आपके लिए अपलोड कर दूंगी। जो आपका कंटेंट रहता है ना वो मैं अपलोड कर दूंगी आपको। ये वाला टॉपिक तो बहुत ज्यादा इजी था, तो अब जो है हम क्लास लीव कर देते हैं क्योंकि हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है ना? अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को, या यशवंत आपको कोई डाउट किसी और पेपर 1 से रिलेटेड बेटे आपको कोई डाउट हो तो वो भी पूछ रही हूँ यहाँ पे, आप मेरे से वो भी शेयर कर सकते हो।
पेपर वन से रिलेटेड या कोई सब्जेक्ट का आपको स्ट्रेटजी पूछने की मैम कैसे तैयारी करें, तो वो भी पूछ सकते हो, आपको कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। इसी सब्जेक्ट का ज्योग्राफी का बताना है। स्ट्रेटजी तो मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगी कि जो आपकी, अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊं कि मैंने, आपका बहुत इजीली निकल सकता है नेट, क्योंकि आपकी इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। अगर आप कोशिश करो ना, तो जैसे आपके थॉट सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से कवर हो सकता है, उसको लगातार रिवाइज करो, क्योंकि उससे लिमिटेड क्वेश्चन ही आते हैं, उसमें आपकी बुक्स होती हैं, भी आपको लगातार याद करोगे ना तो आपका हो जाएगा। आपकी कुछ क्लास तो मैंने यूट्यूब पर दे रखे हैं, उनको बार बार देखो, समझो, ठीक है, आपका थॉट तैयार हो जाएगा। आपका जो जैसे जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से आएंगे, आप कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हो, जैसे आपने जितनी क्लास ले ली, फिर नोट्स बना लिए, उनको बार बार रिवाइज करो। PYQ सोल्व करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आप बेशक से आप 10 घंटे उन नोट्स को रिवाइज कर लो, 10 घंटे करने के बाद अगर आपने 2 घंटे PYQ को नहीं दिए, तो इसका मतलब आपका सारा जो भी आपने जितना पढ़ा वो सब माटी फिर जाएगी उस पे, एक तरीके से मैं बोलूँ तो आपका पानी फिर जाएगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता लगेगा कि आपका जो UGC नेट है उसका क्राइटेरिया क्या है, पैटर्न कैसा है। जब तक पैटर्न नहीं समझोगे एग्जाम में कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको समझ ही नहीं आएगा। और वो आपको कैसे समझ आएगा, जब आप कोई भी आपका टॉपिक पढ़ते हो, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जब उसके PYQ सोल्व करते हो ना, तो आपका 50% पेपर वही से सोल्व हो जाता है। पेपर वन की भी यही स्ट्रेटेजी और पेपर 2 की भी। पेपर वन के भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो, जो टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक से क्वेश्चन क्या है सोल्व करके देखो, PYQ लगाओ। जितने आप PYQ सोल्व करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आपके, मैंने पहले भी बताया था, 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में, 100 में से जो 30% क्वेश्चन आते हैं ना, वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड। आप खुद देखोगे, जब आप मान लो आप 2023 का सोल्व करते हो, फिर 22 का सोल्व करते हो, 21 2019, जब ऐसे पेपर सोल्व करोगे ना, तो आपको खुद दिख जाएगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस उनकी जो स्टेटमेंट होती है वो मॉडिफाई कर दी जाती है। बस आपको ये समझना है, जब आप सोल्व, आप ये कैसे समझो, समझ में कैसे आएगा आपको, सिर्फ तब समझ में आएगा जब आप लगातार PYQ सोल्व करोगे ना, और आप देखोगे अरे ये क्वेश्चन तो मैंने अभी सोल्व किया था, वो तब आपको वो स्ट्रेटेजी आपकी बन जाएगी, और आपका जो नेट, आपका नेट नेट नहीं JRF भी निकलेगा इससे। यही स्ट्रेटेजी होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की, चाहे वो नेट हो, UPSC हो, JRF हो, कुछ भी हो। आपको क्लास लेके नोट्स बना के अपना जो रिवीजन है रिवीजन करनी है, और रिवीजन करने के बाद PYQ, अगर आपसे 2 घंटे का पेपर सोल्व होता है, 100 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, तो वो भी करो। आप अपना टाइम बचाओ, आप कैसे ना कैसे कोशिश करो कि वो जो 2 घंटे का पेपर देते, इतना लेंथी पेपर देते, उसको आप कैसे 1 घंटे 30 मिनट में सोल्व करो, और 30 मिनट आप ये देखने में लगाओ कि आपका जो क्वेश्चन है आपने कहाँ से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में पेपर में गड़बड़ लिखी है, तो वहीं पे आपको एक पेज दिया जाता है, उस पेज पर लिख लो कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन एक बार चेक करना है, ठीक है। ऐसी होती है आपकी बेटे, ये होती है स्ट्रेटजी। तो अब कोई डाउट है ना बेटे, तो मेरे से आप क्लास में एग्जाम से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। स्ट्रेटजी आपकी यही रहेगी एग्जाम को क्लियर करने की, आप लिख के ले लो। जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तुक्के लग जाएंगे, वो अलग बात है, तुक्के से क्लियर हो सकता है, लेकिन आपको फिर उससे जो नॉलेज है वो नहीं आएगी। नॉलेज कैसे आएगी, जब आप इन कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करोगे, कंसेप्ट को जब बार बार रिवाइज करोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो अब जो है हम कल मिलते हैं, कल आपकी 6 बजे फिर से क्लास होगी, 6 से 7 और 8 से 9, और कल हम अपनी जियो मोर्फोलॉजी के लास्ट जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, और परसों जो आपकी दूसरी क्लास होगी वो आपकी होगी क्लाइमेटोलॉजी पे, ठीक है। वेलकम बेटे, अब आप क्लास लीव कर दो यशवंत, ठीक
ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से तैयारी करो। ओके।